फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबको पता है SSC MTA सेकेंड टायर का एग्ज़ाम होने वाला है, परीक्षा होने वाला है, उसमें लेटर और ऐसे राइटिंग आने वाला है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा ये जो मैंने SSC MTA की जो साइट है, थोड़े से प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स एंड थोड़े से बहुत सब कुछ ऑब्जर्वेशन करने के बाद थोड़ा सा मैं आज आपके लिए डिटेल्स लेके आई हूँ, एक फॉर्मेट लेके आई हूँ जो SSC MTA के लिए NCERT का जो एक न्यू फॉर्मेट निकला है, किस तरीके से कैसे लिखना है, सारा मैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आई हूँ। तो पूरा एक फॉर्मेट आपको दिखाना, हम बार बार फॉर्मेट पे फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस फॉर्मेट पे ही नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप का अगर अंदर जो एक्सप्लेनेशन हम लोग लिखते हैं, अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो शायद उतना नंबर ना कटे, पर अगर आपका फॉर्मेट ही गलत हो जाएगा तो आपके ज़्यादा नंबर काट लिए जाएंगे। तो हमें ज़्यादा नंबर वाले पे चीज़ों पे फोकस करना है, जो बहुत ही ईजी है। तो आज मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताने वाली हूँ, कैसे कैसे स्टेप है। प्लीज़ ये सारे स्टेप को आप लिख लेना कि फर्स्ट ये स्टेप फॉलो करना है, सेकेंड ये स्टेप फॉलो करना है, और फिर एक लेटर भी दिखा दूँगी किस तरीके से उसमें कैसे कैसे लिखा गया। अब दूसरी बात, मुझे आपको ये बताना है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रहे थे कि मैम लेटर जो लिखने को आता है वो बॉक्स में आता है कि ऐसे में नॉर्मल पूरा ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा लाइन पैराग्राफ। देखो, अभी कैसना भी होगा, चाहे आपको बॉक्स में लिखने के लिए आए, चाहे आपको नॉर्मल लिखने का, बात तो एक तरफ से एक ही हो गई। अगर मैं ये बोलूँ, ये एक पूरी लाइन है, यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, एक यहाँ पे बॉक्स, मतलब इतना डिस्टेंस नहीं होगा, थोड़ा डिस्टेंस होगा, तो एक यहाँ पे दिया, ठीक है। अब चाहे आप पूरा स्ट्रेट लाइन में लिखो, चाहे बॉक्स में लिखो, अगर मुझे लिखना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो ये पूरा बॉक्स में आ गया। अब मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, तो तब से देखा जाए तो वही हो गया। तो आपको इसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर बॉक्स में आएगा तो डिफ़िकल्ट होगा, इसमें आएगा तो डिफ़िकल्ट होगा। यहाँ पे चाहे बॉक्स में लिखने के लिए दिया जाए आपको, चाहे स्ट्रेट लाइन में दिया, कुछ फ़र्क नहीं है, एक बॉक्स में एक ही वर्ड्स आपका आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कहाँ तो ये आपका इसी में आ जाएगा, तो ये तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि एक बॉक्स में आपको दो वर्ड्स लिखना है, ठीक है। एक बॉक्स में एक ही वर्ड ही आपको लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना। वो आपको गिनती वाला नंबर्स का बॉक्स याद है, स्कूल के टाइम पे हम एक दो ऐसा लिखते थे, तो एक बॉक्स में एक ही वर्ड लगा। अब हम चाहे स्ट्रेट टाइम में लिखे, चाहे बॉक्स में लिखे, कुछ भी मैटर नहीं, इसके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैंने इस पर कुछ सिखाया नहीं, आपको कुछ बताया नहीं। मैं जानती हूँ आप लोग SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, इतना हाई लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, इतना छोटा सा नॉलेज आपके पास होगा ही, ठीक है। तो अभी इस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए कि बॉक्स वाले पे प्रैक्टिस करो, इस पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो फॉर्मेट पे, प्रैक्टिस करो टॉपिक पे, प्रैक्टिस करो कौन से टॉपिक आने वाला उसके बारे में पढ़ो, ये सब पे प्रैक्टिस करो। वहाँ पैटर्न किस तरीके से आने वाला है, लिखने के लिए ही आएगा ना। अगर हम मुझे पूरा मैं पढ़ के गई हूँ, अब वो चाहे पेपर भी लिखने को दे, चाहे मुझे किसी चीज़ पे भी लिखने के लिए दे, क्या मैटर करता है, मुझे तो बस समझ के गई हूँ, मैं पढ़ के गई हूँ, पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं पैटर्न को ही ज़्यादा सीख लूँगी और मैंने पढ़ाई कुछ नहीं किया तो मैं क्या लिखूँगी वहाँ पर। तो प्लीज़ मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पैटर्न ये सब चीज़ पर ज़्यादा ध्यान मत दो, बॉक्स में लिखने को आएगा, स्ट्रेट लाइन को लिखने को आएगा, आप सबको पता है ऐसे वो लेटर राइटिंग क्या होता है, उस पर फोकस दीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट पे फोकस देना अच्छे तरीके से। ये स्मार्ट नोवेशन आपके लिए पूरा लेटेस्ट आई इन्फॉर्मेशन लेके आता है, पूरा बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। प्लीज़ सारे इन्फॉर्मेशन को आप लोग ऑब्जर्वेशन कीजिए, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस दीजिए, ठीक है। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे जो भी हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को आप फॉलो कीजिए। तो चलो हम लोग फॉर्मेट पे चलते हैं, हमें इतना अंदर का डीपली इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा सा नॉर्मल यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सेंडर डिटेल्स एड्रेस, ठीक है। पहले तो आपका एड्रेस आएगा, सेंडर डिटेल्स आपका एड्रेस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है कि नाम लिखना रहेगा, बट आपको अपना नाम नहीं लिखना, ये मतलब देखा जाए तो हमें अपना नाम ऐड नहीं करना, इसलिए मैंने इस चीज़ को अभी बता दिया क्योंकि आप पूरा ये पढ़ोगे, मैं फिर भी आपको दे देती हूँ, पूरा पढ़िए पर जो चीज़ फॉलो नहीं हो रहा उसको फॉलो नहीं करना है, एक सेकंड फ्रेंड्स। हाँ, तो हमें ये नाम अपना नहीं लिखना है वहाँ पर, ठीक है। आपको अपना फुल एड्रेस लिखना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। डेट लिखना है आपको, डेट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है। जैसे आज 12 नवंबर है तो आपको ऐसा लिखना है 12 नवंबर 2019, कैसे लिखोगे 12 नवंबर पूरी स्पेलिंग लिखोगे 12 नवंबर या फिर NOV भी लिख दिया शॉर्ट में तो भी चलेगा 2019, इस तरीके से यहाँ पे कॉमा भी देना, ये फॉर्मेट है आपका लिखने का। रिसीवर एड्रेस पूरा लिखना है जिसको हम भेज रहे हैं, ये फॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल लेटर में दो एड्रेस आता है, एक तो मेरा आता है जिसको हम भेज रहे हैं उसका आता है, तो एक रिसीवर का एड्रेस आएगा, ठीक है, उसका लिख दिया।
स्कूल प्रिंसिपल और टीचर्स हम किसी को भी लिख रहे हैं। सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मेट, अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, आपने दोनों एड्रेस यहाँ लिख दिया, यहाँ सब्जेक्ट लिखना है कि कौन से टॉपिक के लिए किस चीज़ के लिए आप वहाँ पे लेटर लिख रहे हो, सब्जेक्ट आएगा। सैल्यूटेशंस का मतलब होता है कि आप सामने वालों को ऐसा दिखाओ कि आप उसके पर्सनल नहीं हो, ठीक है, आप एक मतलब नॉर्मल पर्सन जैसे सब लोग होते हैं। हम कैसे बहुत डियर वियर लिखते हैं, मतलब मैं आपकी कुछ खास हूँ इसलिए हम डियर वियर करके बात करते हैं, बट हम फॉर्मल लेटर में कोई मेरा वहाँ पे डियर कोई मेरा पहचान का नहीं है, तो हमें इस तरीके से दिखाना है, हमें अपना पर्सनली कुछ नहीं बताना है, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब होता है, अब तीन डिवाइड पैराग्राफ होगा, देखो मैंने आपको बताया है ना कि लेटर में तीन पैराग्राफ होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब क्या क्या होगा देखो आप पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, तो आप देख लीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपके सेल्फ के बारे में बताना है। सेकेंड में नाउ एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ डिटेल्स, किस चीज़ पे सब्जेक्ट पे लिखो लेटर वो आएगा। एंड थर्ड में बताना है आपको एक्सपेक्टिव, मतलब आपसे क्या एक्सपेक्ट है सामने वाले पर्सन से। अगर मैं किसी जॉब के लिए लेटर लिख रही हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन उनको दिखाने का ये होगा, प्लीज़ आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, एक मुझे एक बार मुझे एक चांस दीजिए एक काम करने के लिए, मैं डेफिनेटली उस पर अच्छे से काम करके दिखाऊंगी, तो ये मैं उसको अपना एक्सपेक्टेशन बता रही हूँ। तो थर्ड पैराग्राफ में सिंपैथी थोड़ी एक्सपेक्टेशन दिखाना है, ठीक है। तो आपने देख लिया, देखिए पूरा फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए ढूंढ के फॉर्मेट लेके आया है, ये पूरा फॉलो करना है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग मतलब वहाँ पे देना है आपको फेथफुली सिंसियरली, देखो मैंने ये भी आपके लिए लिख दिया, आप जिसको हिंदी में करना है वो हिंदी देख सकता है इसका हिंदी क्या होगा, फिर वो करना है। हाँ, हमें यहाँ पे ना सिग्नेचर नहीं करना है, हम पता सच में किसी को लेटर नहीं देने जा रहे। देखो सिग्नेचर वगैरह ये सब चीज़ें कब हम देते हैं, हम सच में किसी को लेटर देना, हम वहाँ पे सिर्फ पेपर में लेटर लिख रहे हैं। बोलते हैं ना अगर मैं सच में ही लेटर लिख के किसी सामने वाले पर्सन को सच में देने जा रही हूँ तो भी ये सिग्नेचर मेरा यहाँ पे अवेलेबल होगा, बट ये लेटर मैं अपने एग्ज़ाम में लिख रही हूँ, तो एग्ज़ाम में ना मुझे अपना सिग्नेचर करना है ना मुझे अपना नाम लिखना है, ये दो चीज़ आपको नहीं करना है। ये लेटर पता है जो आपको पूरा फॉर्मेट दिखा रहा है, ये मतलब एट द प्रेजेंट ऑफ प्रेजेंट का दिखा रहा है कि आप सच में किसी को देने जा रहे हो, तो वहाँ पे सिग्नेचर आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं सच में किसी को देने जा रही हूँ, अपने प्रिंसिपल को देने जा रही हूँ, अपने HOD टीचर को देने जा रही हूँ, तब मैं वहाँ पे अपना सिग्नेचर और नाम लिखूंगी, पर मैं परीक्षा में लिख रही हूँ तो मैं अपना नाम नहीं, मैं वहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मैं वहाँ पे नहीं लिख सकती, ठीक है। तो आपने पूरा फॉर्मेट देख लीजिए, चलो एक बार हम लोग इसका ये भी देख लेते हैं पूरा लेटर। देखो मैंने लिखा है फॉर्मल लेटर फॉर स्कूल, स्कूल के लिए कोई लेटर है, नेम क्लास जो भी लिखना है डेट वगैरह आपने लिख दिया, रिसीवर एड्रेस आ गया, चाहे प्रिंसिपल टीचर किसको भी लिख रहे हो, सब्जेक्ट नेम द रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट, ठीक है। अस डियर सर रिस्पेक्टेड सर ये आपका आ जाएगा, डियर सर रिस्पेक्टेड आएगा, मैंने आपको बताया आपको पर्सनली नहीं जाएगा, हम लोग दोस्त को लिखते तो डियर वहाँ पे डियर वर्ड यूज़ करते, बट हमारे वो कोई बड़े हैं, हमारे वो बहुत ही टू पर्सनल नहीं है, तो हम वहाँ पे रिस्पेक्टेड सर या टीचर ऐसे करके बात करेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर देख लीजिए, फर्स्ट पैराग्राफ मैं शायद शॉर्ट कर देती हूँ, जैसे आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत अलग तरीके से आपके लिए हर चीज़ ढूंढ के लेके आया, तो आपको लोग उतना पढ़ना है, तो आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए, यहाँ पे दिया है फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड एंड थर्ड क्या क्या कैसे लिखना है आप देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग देख लीजिए, नाउ एंड द लेटर विथ योर सिंसियरली फेथफुली थैंकफुली, ठीक है, ये आपको वर्ड यूज़ करना है, सिग्नेचर हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है, हम सच में किसी को लेटर देने नहीं जा रहे, तो ये पूरा फॉर्मेट हो गया। फाइनली मैंने आपको पूरा फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सो प्लीज़ आप शायद मेरे ख्याल से आप इस सब चीज़ों को ज़्यादा फोकस दोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन एक नया एडवाइस और एक नया सजेशन के साथ में। आई होप लेटर को लेके आपके सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम को लेके मैंने सारा डाउट्स आपका क्लियर कर दिया, फिर भी किसी को डाउट्स है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।